स्टूडेंट्स, इट इज मी जगभान सर विथ ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम 60 इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इसमें से सेल ऑर्गेनेल्स की। हम लोगों ने इसके पहले सेल वॉल पढ़ लिया और हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ ली है। अब हम लोग उसके अंदर आ जाते हैं, सेल के अंदर हम लोग एंट्री कर जाते हैं और उसमें से अब हम लोग को क्या मिलेगा, सेल ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। और सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किससे रिलेटेड है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है और इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम वर्ड है, सिस्टम वर्ड का मीन्स क्या होता है, मैनी थिंग्स एडजेसेंट टू ईच अदर, वो फंक्शन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और इस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम ये रिलेटेड किससे, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पहले हम लोग देख लेते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स की होती है, इसके क्या फंक्शन है, इसको फिर हम लोग बाद में करते हैं। देखिए इसमें इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये अपने पास ही ऐसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है यहाँ पर। और ये जो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है इसी की आउटग्रोथ होती है, ये आउटग्रोथ होके ऐसे ये ऐसे बन जाती है ये, और दोनों साइड पर रहेगी। और ये कितना इलॉन्गेट होते होते कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ी रहेगी। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वो ऐसे पकड़ के रखती है, उसको एक शेप देती है, शेप मेंटेन रखती है ये। अगर हम लोग देखते हैं इसमें इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये अपने पास क्या है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कितनी टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, एक स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या होती है, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। देखते हैं इसमें से स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अपने पास ऐसे ही आ रहा है, और दूसरा क्या है, रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जाहिर सी बात है रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम है तो जो इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस है वो रफ होगा, और रफ होने की कहीं ना कहीं कोई ना कोई वजह होगी। तो उसकी वजह क्या है, इसमें से राइबोसोम का पाया जाना, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम पाया जाता है ऐसे ही, ये यहाँ पर इनके आउटर सरफेस पे क्या रहता है, राइबोसोम्स रहता है। अब ये देखो राइबोसोम्स अटैच तो रहते हैं लेकिन कोई ना कोई अटैच करने के लिए इनको डॉकिंग सिस्टम रहता है, कोई डॉकिंग प्रोटीन होती है, या हम लोग उस डॉकिंग प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोफोरिन, इस तरह से यहाँ पर रहता है ये प्रोटीन ऐसी रहती है हमारे पास ये। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोफोरिन सेकेंड। हमारे पास जो डॉकिंग प्रोटीन है जो इसको इसे चिपकाए रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोफोरिन सेकेंड बोलेंगे। और ऐसे ही जैसे इसमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे पास ये राइबोसोम है, ऐसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम रहता है ऐसे, इस तरह से हमारे पास ये है। और इसमें जो डॉकिंग प्रोटीन है, उस डॉकिंग प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन फर्स्ट, ये है अपने पास में राइबोफोरिन फर्स्ट। तो देखिए इसमें से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दो तरह के मिल गई, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मीन्स तो क्लियर हो गया कि जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ किसकी वजह से, क्योंकि इनमें से क्या रहता है, राइबोसोम पाए जाते हैं इसके आउटर सरफेस पे। अब राइबोसोम को हम लोग एक नाम देते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, वजह इसकी है कि क्योंकि इसमें से प्रोटीन बनती है। अब तो इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है, ये क्या बनाएगा, ये प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा या प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्योंकि उसमें से क्या क्या पाया जाता है, उसमें से राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या काम करेगा ये, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। और ये क्या बनाएगा, ये लिपिड सिंथेसिस करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि कोई राइबोसोम हो तो उसमें से प्रोटीन बन सके, नहीं, तो ये प्रोटीन तो नहीं बनाएगा, ये क्या बनाएगा, ये लिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड बनेगा इसमें से। और जितने भी स्ट्राइडल हार्मोन है सब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाएगा, ये सब स्ट्राइडल हार्मोन भी बनाएगा इसमें से। अगर हम लोग इसमें इसके एग्जांपल की बात करते हैं कि तो इसमें से देखिए स्ट्राइडल हार्मोन हमारे पास कहाँ मिलते हैं, एक ग्लैंड है हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड, तो ये एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड है उसमें से जो सेल है, तो उसमें मैक्सिमम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही मिलेगी आपको, क्योंकि वहाँ पर स्ट्राइडल हार्मोन बनने हैं। और साथ साथ ये लीवर सेल्स है, लीवर सेल्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको ये, इतनी बात समझ में आ गई। और हमारे पास में ये जो
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाता है, ये हमारे पास ये हमको बनाएगा प्रोटीन देगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। तो बाकी जो अदर सेल हैं जहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत होती है वहाँ पर कैसी हमारे पास इंडोप्लाज्मिक होगी, हमारे पास कैसी होगी, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी। तो इतनी बात ये क्लियर हो गई। तो जो हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो तरह की रहती है, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको क्यों बोलते हैं रफ, क्योंकि इसमें से क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, और जो राइबोसोम है वो कैसे अटैच रहता है, राइबोफोरिन सेकेंड प्रोटीन से। और राइबोफोरिन फर्स्ट कहाँ रहती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें भी राइबोसोम अटैच रहते हैं, तो राइबोफोरिन फर्स्ट रहती है वहाँ पर। अब देखिए जो एंड इसका राइबोसोम का जो एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहता है उस एंड को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या कहते हैं उसको, प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। और जो एंड दूर रहता है उससे नहीं अटैच होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। ये दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा इसको, हमेशा प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड हमेशा अटैचमेंट से पता करते हैं। जैसे ये मेरा हैंड है, ये आर्म हो गई, फोर आर्म हो गई, तो ये आर्म हमारी बॉडी से अटैच्ड है, तो ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिजिटल एंड है। अगर हम लोग ये इस फिंगर की बात करते हैं तो इसमें से हम लोग देखते हैं, इसमें से ये जो फैलेंजेस है ये, तो ये प्रॉक्सिमल आ जाएगा, ये डिजिटल आ जाएगा। इन दोनों में बात करते हैं तो ये प्रॉक्सिमल आ जाएगा, ये डिजिटल आ जाएगा, क्योंकि ये बॉडी अटैचमेंट के बेसिस पे देखें तो बहुत पास में है बॉडी के, जो बॉडी के जो जितना पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल है। तो हमारे पास में जो राइबोसोम है वो राइबोसोम अटैच्ड है, तो उसके दो इंड हम लोग कैसे दे सकते हैं, उसके अटैचमेंट के हिसाब से देख सकते हैं उसको कि प्रॉक्सिमल इंड क्या है, डिस्टल इंड क्या है। तो ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हो गया। अब इसमें से हम लोग पढ़ते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं, तो देख लेते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। हमारे पास में इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का मीन्स बेटा ये होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। हमने क्या बोला है इसमें, जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर काम करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम। और यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर बहुत सारी यहाँ पर ऑर्गेनेल्स हैं वो काम करेंगे, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और वो जितने भी ऑर्गेनेल हैं सब सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, एक तो मेम्ब्रेनस हैं और उसमें से सारे के सारे सिंगल मेम्ब्रेनस हैं, तो सिंगल मेम्ब्रेनस बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वर्क कर रहे हैं एक साथ मिलकर, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखिए हमारे पास एक ऐसी ये सेल है, हमारे पास ये सेल है, ये कोई भी सेल है ये हमारे पास ऐसे, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया इसमें से। तो देखते हैं इसमें क्या है, हमारे पास ये डीएनए है, ये डीएनए हो गया, और इस डीएनए ने क्या किया, मैसेंजर आरएनए बनाया। क्या बनाया इसने, मैसेंजर आरएनए बनाया। अब ये मैसेंजर आरएनए यहाँ से न्यूक्लियर पोर से निकलकर ये बाहर आया यहाँ पर, और ये मान लेते हैं यहाँ पर इस राइबोसोम से अटैच्ड हो गया ये, और अटैच्ड होने के बाद इसने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाई। इतनी सी बात आपको समझना है, बहुत आराम आराम से इस बात को। न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पड़ा हुआ था, डीएनए, और ये अभी इसको हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में देखेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में हम आपको देखेंगे इसमें। ये डीएनए, इसने क्या बनाया, मैसेंजर आरएनए इस न्यूक्लियर पोर से निकलकर कहाँ गया, राइबोसोम के पास गया, और राइबोसोम से अटैच्ड हो गया, और उसने वहाँ पर क्या बना दी, एक प्रोटीन बना दी। अब इस प्रोटीन को कहीं और जाना है, इसको यहाँ पर नहीं रहना है, इस प्रोटीन को कहीं और जाना है, तो देखिए इस प्रोटीन को पैक करके बाहर भेजा जाएगा, ऐसे एक छोटी सी वेसाइकिल इसमें से इसको पैक किया गया, और पैक करने के बाद इसको बाहर भेजा गया, इसको पैक करके हमारे पास में हमको ये मिल गई। अब देखिए एक ऑर्गेनेल से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अदर में ट्रांसफर होना है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसफर वेसाइकिल, दिस इज द ट्रांसफर वेसाइकिल, ट्रांसफर वेसाइकिल, समझते रहिए इसको। छोटी सी ये है, ये मेम्ब्रेनस एक वेसाइकिल है छोटी सी, अगर यही चीज़ बड़ी होती तो इसको हम लोग वैक्यूल बोल देते हैं। अब इसको देखो, इसको ट्रांसफ़र किया गया उठा के, हाँ ये हमारे पास में क्या है, ये गोल्जी अपरेटस है।
और ये गॉल्जी अपरेटस हमारे पास सिस्टर्नी के फॉर्म में है। इस सिस्टर्नी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस सिस्टर्नी। इसको क्या बोल सकते हैं, सिस सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग इंटरिंग फेस, इंटरिंग फेस, इसको ये बोल सकते हैं। बाकी जितनी भी हैं इसमें से बीच में, उनको हम लोग मीडियल सिस्टर्नी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मीडियल सिस्टर्नी बोल सकते हैं इसको। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रांस सिस्टर्नी या ट्रांस फेस, या इसी को मैच्योरिंग फेस बोल सकते हैं, मैच्योरिंग फेस, इसको ये बोल सकते हैं। देखिए हमारे पास ये ट्रांसफर वेसाइकिल मिलकर आ गई थी यहाँ पर, ये ट्रांसफर वेसाइकिल बनकर यहाँ पर आ गई थी, हमें मिल गई। इसको भेजा जाता है यहाँ पर सिस सिस्टर्नी में, ठीक है ना, सिस्टर्नी में या एंटरिंग फेस में भेजा जाता है ये। अब यहाँ भेजने के बाद देखिए क्या होगा, इसको यहाँ पर ऐसे भेजा गया ये, और भेजने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, इसमें से ये आ गया यहाँ पर ये, और यहाँ पर क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुए इसमें से, पैक इसको इसको फोल्डिंग, इसकी फोल्डिंग प्लस मॉडिफिकेशन हुए, क्योंकि यहाँ से जो प्रोटीन बन के आई थी उसको फोल्ड करना है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसको मॉडिफाई करना है, तो फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन हुआ। मॉडिफिकेशन होने के बाद इसको फिर से एक वेसाइकिल में पैक किया गया, और पैक होने के बाद इसको बाहर निकाला गया, ये निकल के बाहर आ गई हमारे पास में ये। अब इसको दोबारा से हम लोग किस में भेजेंगे, अब हम लोग भेजेंगे मीडियल सिस्टर्नी में। कहाँ भेजेंगे, मीडियल सिस्टर्नी में। अब जब इसको इसमें मीडियल सिस्टर्नी में भेजते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन वेसाइकिल। तो हमारे पास में दो वेसाइकिल मिल गई, एक ट्रांसफर वेसाइकिल और दूसरी क्या है, ट्रांजिशन वेसाइकिल। और ये वेसाइकिल बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है मीडियल, इससे मीडियल, इस मीडियल में, इस मीडियल में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो गॉल्जी अपरेटस क्या है, एक स्टैक है, ढेर है, एक के ऊपर एक सिस्टर्नी का ढेर लगा हुआ है इसमें। यहाँ पर हमने एक सिस्टर्नी बनाई, एक सिस्टर्नी नहीं है, बहुत सारी हैं, और बहुत सारी क्यों होती है अभी बाद में बताते हैं इसको, पहले हम इतना समझते हैं। पहले ट्रांजिशन वेसाइकिल यहाँ पर आ गए, ट्रांजिशन वेसाइकिल हमको कहाँ मिल गए, मीडियल सिस्टर्नी में, और मीडियल सिस्टर्नी में मिलने के बाद क्या हुआ, इसमें से कुछ स्पेशल चेंजेस आएंगे, और स्पेशल चेंजेस क्या आ जाएंगे, वो इसमें से कुछ न कुछ अलग से इसमें अटैच किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट या फिर लिपिड या दोनों चीज़ें इसमें अटैच की जाती हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलेंगे इसको, ग्लाइकोसाइलेशन। फिर इसके बाद पैक करने के बाद इसको फिर से दोबारा से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको फिर हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग ट्रांसिस्टर्नी में, हम लोग ट्रांसिस्टर्नी में इसको ट्रांसफ़र करेंगे ये, और इसमें से ग्लाइकोसाइलेशन हो चुका है ये ग्लाइकोसाइलेशन हो चुका है। अब ये यहाँ पर होने के बाद फाइनल इसकी सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होगी। सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होने के बाद इसको जहाँ पर भेजना होता है वहाँ पर भेज दिया जाता है। ये हमारे पास एक कंप्लीट सिस्टर्नी मिल गई, कंप्लीट वेसाइकिल मिल गई, जो कि ट्रांस सिस्टर्नी में है अपने पास में ये। और इस तरह की जो सिस्टर्नी है, सॉरी, इस तरह की जो वेसाइकिल है वो हमारे पास तीन तरह की हो सकती है। आइए फिर से देखते हैं इसमें से। यहाँ से प्रोटीन पैकेजिंग पैकेज्ड एक वेसाइकिल मिल गई थी, जिसको ट्रांसफ़र वेसाइकिल कहते हैं हम लोग। इस ट्रांसफ़र वेसाइकिल को सबसे पहले सिस सिस्टर्नी में ट्रांसफ़र किया गया, सिस सिस्टर्नी में ट्रांसफ़र किया गया। इस सिस सिस्टर्नी में क्या हुआ, ये जो नई नई प्रोटीन बन के आई थी उसको फोल्ड किया गया, और इसमें देखा गया कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मॉडिफिकेशन किया गया। क्या किया गया, मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग की गई इसमें से, मॉडिफिकेशन एंड फोल्डिंग दो चीज़ें की गई। फिर हमारे पास में क्या मिला, मीडियल सिस्टर्नी, मीडियल सिस्टर्नी।
मीडियल सिस्टर्नी में हमको क्या मिला, क्या हुआ वहाँ पर। यहाँ से आने के बाद ये जितनी भी ट्रांसफर हो रही वेसाइकिल, सारी वेसाइकिल को हम लोग ट्रांजिशन वेसाइकिल कहेंगे। जितनी भी सिस्टर्नी में रहेंगी, वो चाहे सिस में हो, मीडियल में हो, ट्रांस में हो, कहीं पर भी हो, सारी सिस्टर्नी को क्या नाम देंगे, ट्रांजिशन वेसाइकिल नाम देंगे हम लोग। तो एक को मैंने दिखा दिया है, बाकी जितनी भी हैं ये मैंने दिखा दिया है, जितनी भी वेसाइकिल है सारी की सारी वेसाइकिल कौन सी है, ट्रांजिशन वेसाइकिल है। अब देखिए यहाँ पर मीडियल सिस्टर्नी में क्या होगा, मीडियल सिस्टर्नी में क्या होगा, वहां पर एक वर्ड याद रखिए, ग्लाइकोसाइलेशन। क्या होगा वहां पर, ग्लाइकोसाइलेशन। और ग्लाइकोसाइलेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट, एडिशन। अच्छा, इसमें से लिपिड या कार्बोहाइड्रेट को क्यों ऐड किया जाता है, वजह इसकी क्या है, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा रिकग्निशन का काम करता है, ऐसे ही लिपिड भी करता है। तो मेन हमारा कार्बोहाइड्रेट है जो रिकग्निशन का काम करेगा, और वो जो रिकग्निशन का काम करता है वो इसलिए करता है कि यहाँ पर ये प्रोटीन बन गई और इसको अच्छे से पैक किया गया, फोल्डिंग की गई, और इसके बाद इसको कहीं भेजना है। तो कहाँ भेजोगे, जब तक उस वहाँ का एड्रेस नहीं होगा तो आप कैसे भेजोगे। तो एड्रेस मीन्स उसको पहचाना जाए कि ये चीज़ यहाँ के लिए है, तो वो जो एड्रेस है, एड्रेस जो टैग किया जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट या लिपिड वहाँ पर ऐड किया जाता है। इसकी वजह ये है कि उसमें लिपिड या कार्बोहाइड्रेट का एडिशन क्यों हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। और ये ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ लिपिड या कार्बोहाइड्रेट होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद फाइनल ये किस में आ गया, ट्रांस में आ गया, ट्रांसफेस में आ गया, ये ट्रांस में आ गया या ट्रांसिस्टर्नी में आ गया। वहाँ पर क्या होगा, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग होगी, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, ये हो गया। और इसके बाद फाइनली इसको क्या किया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, इसको जहाँ जाना होगा वहाँ वहाँ भेज दिया जाएगा। तो देखिए ये जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी अपरेटस हमारे पास में, ये क्या है, ये गोल्जी अपरेटस है। और ये जो गोल्जी अपरेटस है इसको हम लोग एक दूसरा नाम देते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, पुलिस ऑफ द सेल, इसको एक नाम ये देते हैं, बड़ा अच्छा नाम है। बस इसका मीन्स समझ में आना चाहिए कि ऐसा बोलते क्यों है, और इसका मीन्स देखिए हम आपको बता देते हैं कि ऐसा क्यों बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस है, जो ट्रैफिक वाले होते हैं पुलिस, वो उसका क्या काम है, उसका काम यही है कि किस गाड़ी को रोकना, किस गाड़ी को पास करा देना, इसको रोकना है, इसको पास करा देना, यही काम है ना। वो डेस्टिनी तय करते हैं कि कौन सी गाड़ी को किधर भेजना है, यही करते हैं ना। देखिए यही सारा काम है। हमारे पास में जो प्रोटीन बनी, प्रोटीन तो बन गई यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसको कहाँ भेजना है, इस सारा खेल कौन खेल रहा है, ये गोल्जी अपरेटस खेल रहा है। जहाँ भेजना होता है वहाँ का एड्रेस, ये जो मीडियल सिस्टर्नी है, मीडियल सिस्टर्नी में ही एड्रेस दिया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन बोलते हैं। इसलिए इसको हम एक नाम देते हैं गोल्जी, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, गोल्जी अपरेटस का काम ये है। क्लियर हो गई बात ये। अब देखिए इसमें दूसरी बात ये है कि ये जो ढेर होता है इनका, इतनी सारी सिस्टर्नी क्यों होती है, इतनी सारी सिस्टर्नी इसलिए होती हैं क्योंकि हमको पता है सिस सिस्टर्नी में मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग होती है। ये जो प्रोटीन बनती है, फोल्डिंग बहुत ही आराम आराम से होती है, बहुत ज़्यादा आराम आराम से, एकदम से नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर ज़रा सी भी फोल्डिंग, मिस फोल्डिंग हो गई, तो मिस फोल्डिंग प्रोटीन टॉक्सिक हो जाती है, और उस मिस फोल्डिंग प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रियॉन। प्रियॉन क्या है, मिस फोल्डिंग प्रोटीन है, जो कि यहाँ पर सिस्टर्नी में जाके अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाई, इसलिए वो कैसी हो गई, मिस फोल्डिंग हो गई, वो टॉक्सिक हो गई। अगर टॉक्सिक मिस फोल्डिंग प्रोटीन है उसको नाम देते हैं प्रियॉन। तो वो ये ना हो पाए, कहीं मिस फोल्डिंग ना हो पाए, कहीं जल्दबाजी ना हो पाए, इसलिए बहुत आराम आराम से होता है ये, एक बार नहीं बहुत बार। अलग अलग सिस्टर्नी होती है, थोड़ी सी इस सिस्टर्नी में फोल्डिंग हुई, फिर नेक्स्ट हुई, फिर नेक्स्ट हुई, फिर नेक्स्ट हुई, ऐसे होती है। इसलिए यहाँ पर ढेर होता है जो सिस्टर्नी होती हैं, यहाँ पर गोल्जी अपरेटस की जो सिस्टर्नी है वहाँ उनका ढेर लगा होता है, कि बहुत धीरे धीरे काम हो,
कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि जरा सी भी गड़बड़ी मिसफोल्डिंग में जाएगी और मिसफोल्डिंग टॉक्सिक की तरह काम करेगी, तो फिर वो डिसीज कॉजिंग एजेंट बन जाएगा हमारी बॉडी के लिए, एक तरह से वो पैथोजन या एंटीजन की तरह काम करेगा। आइए आगे देखते हैं इसमें से। अब ये हमारा ये फाइनली क्या बन गया था, एक सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग के बाद फाइनल में एक रेडी हो गई है, जहाँ इसको जाना है वहाँ के लिए इसको प्रिपेयर करके यहाँ पे रख दिया गया। और इस तरह की जो प्रिपेयर्ड हमारे पास जो विसाइकिल है, ये तीन तरह की हो सकती है। एक ये हो सकती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेन विसाइकिल। हम इस मेम्ब्रेन विसाइकिल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, अगर मेम्ब्रेन विसाइकिल है यही चीज़ तो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो गई ये। दूसरी बात करते हैं सिक्रीटरी वेसाइकिल, हम लोग ये बात कर लेते हैं। सिक्रीटरी वेसाइकिल को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कुछ इस तरह से ऐसे। और तीसरी वेसाइकिल है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल। यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल हमारे पास ये है। और ये जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल है हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल इतने जल्दी से ट्रांसफ़र नहीं होती है। चलिए पहले हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। ये जो मेम्ब्रेनस वेसाइकिल है ये मेम्ब्रेन में आएगी, और ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन है यहाँ पर। ये क्या है? प्रोटीन, क्योंकि बन के तो यहाँ से आई है। मेम्ब्रेनस प्रोटीन आपको बहुत अच्छे से पता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन है या इंट्रिंसिक प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है ना, एनकोरेज प्रोटीन जिसको बोलते हैं, कुछ चैनल प्रोटीन होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन होती हैं, ये मेम्ब्रेन की प्रोटीन है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये मेम्ब्रेन में जाके शामिल हो जाएंगे वो यहाँ से। तो ये मेम्ब्रेनस प्रोटीन है, तो ये मेम्ब्रेन में ऐसे आके ये मेम्ब्रेन में आके लगते हैं ये। और जो सिक्रेटरी वेसाइकिल है यहाँ पर ये आएगा, और आने के बाद ये मेम्ब्रेन से ऐसे फ्यूज हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये फ्यूज हो जाएगा। और फ्यूज होने के बाद ये क्या हो जाएगा, बाहर इस तरह से निकल जाएगा, इस तरह से ये निकल जाएगा। इसका सिक्रीशन क्या हो जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल में देखते हैं। अभी जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल है ये ऐसे ट्रांसपोर्ट नहीं होता जनरली, जैसे ये सिक्रीट हो गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सिक्रीशन। क्या हुआ? सिक्रीशन हुआ, सिक्रीट हो गई वेसाइकिल। आप इसको एक्सक्रीशन नहीं बोल सकते, इजेशन नहीं बोल सकते, वो अभी हम लाइसोसोम पढ़ा रहे हैं, इसके बाद आपको हम बता देंगे कि ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। आप इसको क्या बोलेंगे, सिक्रीशन, सिक्रीट हुआ सेल से। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल में। तो जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल है वो जनरली ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, इसका एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड में जो T3 T4 हार्मोन है, टेट्राहाइड्रोथायरॉइड और हमारा ट्राईहाइड्रोथायरॉइड हार्मोन है, जो इसको कहाँ पर जाना होता है, थायराइड ग्लैंड से जो फॉलिकुलर सेल है उससे निकल कर कहाँ जाना होता है, ब्लड वेसल में, फिर ब्लड वेसल के थ्रू अपने टारगेट में चला जाएगा जहाँ पर जाना है। बहुत सिंपल सी बात है ये। लेकिन ये अकेले T3 T4 नहीं जा सकता है जब तक कि उसमें लाइसोसोम ना जाए। लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होता है, कहीं ना कहीं उसका एक्शन होगा, कुछ ना कुछ काम होगा। तो जब तक लाइसोसोम नहीं हो जाता है T3 T4 वेसाइकिल में, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, वो बाहर नहीं निकल सकता है। बस ऐसी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो लाइसोसोम है, जिसमें से लाइसोसोम में क्या है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, और वो कैसे होते हैं, नेचर में हाइड्रोलिटिक टाइप्स के होते हैं। ये जब तक इससे नहीं जाके मिलता है तब तक ये बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं होती है। ये हमारे पास में क्या है, ये लाइसोसोम है, बिना लाइसोसोम के नहीं जा सकती है, बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, ये जाके मिक्स होती है। अब ये नई हमारे पास जो बनेगी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल जो हमारे पास बनी हुई है, वो हमारे पास ये बनी हुई है, ये वाली,
ये बनी, लाइसोसोम भी इसमें मिक्स हो गया। और क्या मिक्स हो गया? ये जो ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल के अंदर जो प्रोटीन थी वो भी मिक्स हो गई। ये हमारे पास में एक नई ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल मिल गई, ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल ये मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। और ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम कुछ अलग से नहीं बनता है, बनता गॉल्जी अपरेटस से ही है। एक लार्ज वैक्यूल है क्योंकि इसमें से क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, क्या है इसमें से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ये एंजाइम तो वैसे भी फंक्शनल प्रोटीन है लेकिन फंक्शन है उसका अपना एक फंक्शन है, इसलिए तो ये फंक्शनल प्रोटीन है। और फंक्शनल मीन्स प्रोटीन है ना, और जो प्रोटीन है बन के तो ऐसे ही जाएगी ना, तो इसको एक ये कंटेंट में ज़्यादा रहते हैं एंजाइम से, इसलिए एक वेसाइकिल ना बोल के एक लार्ज वेसाइकिल बनेगी जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं। अगर उस वैक्यूल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम से पैक्ड हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइसोसोम। तो जो हमारा लाइसोसोम है वो बना कहाँ से, गॉल्जी अपरेटस से ही तो बना। और इस लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम बोलेंगे। जो फर्स्ट टाइम गॉल्जी अपरेटस से लाइसोसोम बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम। और वो प्राइमरी लाइसोसोम इस ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल से फ्यूज होगा, और फ्यूज होने के बाद तब ट्रांसपोर्ट होगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और इस सिस्टम का मीन्स क्या होता है, मैनी थिंग्स। क्या मीन्स होता है ये, मैनी थिंग्स। अब देखिए मैनी थिंग्स में क्या है, हमारे पास में जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या है देख लेते हैं। इसमें सिस्टम मतलब मैनी थिंग्स, और इस मैनी थिंग्स में क्या है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये हमारे पास में। इसमें हमने पहले क्या देखा, पहले हमने क्या देखा इसमें से, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम देखा मैंने। फिर दोबारा से हमने क्या देखा इसमें से, गॉल्जी अपरेटस देखा। चलिए गॉल्जी अपरेटस हो गया, प्लस हमारे पास क्या मिला, लाइसोसोम मिला। चलिए हमने लाइसोसोम लिख दिया, ये हो गया हमारे पास तीन चीज़ें। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितनी चीज़ें हैं हमारे पास में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और साथ में गॉल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया। और ये तीनों की तीनों चीज़ें कैसी हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं। कैसे हैं ये, सिंगल मेम्ब्रेनस हैं। अब इसमें से एक वर्ड है इसमें गर्ल सिस्टम, आइए देखते हैं। ये जो गर्ल सिस्टम है, तो गर्ल सिस्टम में इसमें एक चीज़ छूट रही है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गॉल्जी अपरेटस है, लाइसोसोम है, और प्लस इसमें क्या आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा, वैक्यूल। हमारे पास चार चीज़ें हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में है, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा अगर ऐसे कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है तो वेसाइकिल, अगर लार्ज मिल रहा है तो उसको हम लोग वैक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पर वैक्यूल भी मिलते हैं, और वो भी एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को तो वैसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। तो यहाँ पर देखते हैं जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है, वो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गॉल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम हो गया, और वैक्यूल हो गया, चार चीज़ें हो गई। अब देखिए इसमें जो गर्ल सिस्टम है, गर्ल ये कुछ ये वर्ड है गर्ल, इसको मैंने अलग अलग कर दिया। गॉल्जी अपरेटस हो गया ये, और ये एक साथ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और ये क्या हो गया, लाइसोसोम। ठीक है ना, ये तीन ऑर्गेनेल्स हैं, तीन ऑर्गेनेल्स अगर एक साथ काम कर रहे हैं उसमें वैक्यूल नहीं बन पा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गर्ल सिस्टम बोलते हैं। अगर इसी गर्ल सिस्टम में ये गर्ल है, और गर्ल सिस्टम गर्ल प्लस वैक्यूल कर देते हैं इसको, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मिल जाएगा। छोटी सी बात है, कोई और टफ नहीं है, ये सिंपल सा। गर्ल में तीन रहते हैं स्ट्रक्चर, गॉल्जी अपरेटस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम हो गया, और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में एक और बढ़ जाता है वैक्यूल। तो गर्ल में वैक्यूल जोड़ दो, अपने आप इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मिल जाएगा आपको।
और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मैंने बता दिया है कि एक ये हो गया अपने पास में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गॉल्जी अपरेटस और लाइसोसोम हो गया, साथ में वैक्यूल भी बनते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल है। अगर ये लार्ज थोड़ा सा लार्ज स्फेरिकल बन जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, वैक्यूल बोल सकते हैं इसको। इस तो ये हमारा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमने गॉल्जी अपरेटस में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको दिखाना ही है, इसके बारे में थोड़ा मैंने डिटेल करके बताया है। और ये तीन पॉइंट्स याद रखना है कि सिस सिस्टर्नी का क्या काम होता है, मेडियल का क्या काम होता है और ट्रांस का क्या काम होता है, और इसको हम लोग ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते क्यों हैं, ये दिमाग में रखिएगा। बाकी चीज़ें तो मैंने बता रखा था इसलिए इसको मैंने छोड़ दिया है, इसको कहिए तो एक बार और हम समराइज करें दे रहे हैं। इतना बन गया, यहाँ से प्रोटीन बनी, प्रोटीन को हम लोगों ने एक वेसाइकिल में फिक्स कर दिया, पैक कर दिया, उसको ट्रांसफर वेसाइकिल नाम दिया। फिर उसको हमने किस में ट्रांसफर किया, सिस सिस्टर्नी में। सिस सिस्टर्नी में क्या हुआ, यहाँ पर उसका मॉडिफिकेशन हुई और पैकेजिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुआ और फोल्डिंग हुई, पैकेजिंग अभी नहीं, पैक तो बाद में किया जाएगा, मॉडिफिकेशन और फोल्डिंग हुई इसमें सिस में। और एक सिस में कंप्लीट मॉडिफिकेशन नहीं होता, बहुत सारी सिस सिस्टर्नी पड़ी हुई है वहाँ पर, तो थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा उसमें, कई बार उसमें ट्रांसफ़र की जाती है, बार बार उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये हमारे पास में ट्रांसफर वेसाइकिल है। फिर मीडियल सिस्टर्नी आ गई, तो मीडियल में मैंने एक ही दिखाया है लेकिन जितने भी मीडियल है सब में काम होगा। तो मीडियल सिस्टर्नी में क्या होगा, ग्लाइकोसाइलेशन होगा। ग्लाइकोसाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। आपको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो सेल रिकॉग्निशन या बाहर की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब एक एड्रेस है, वो आइडेंटिफिकेशन का काम कर देता है। जिस टाइप का कार्बोहाइड्रेट उसमें लगा होगा उसी तरह का वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। वो क्लियर हो गई बात। तो ये जो पैक होने के बाद कहाँ जाएगी, उसका टैग लगता है वहाँ पे, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। इसके बाद हम लोग किस में आ जाएंगे, ट्रांस में आ जाएंगे। तो ट्रांस में इसका नाम मैच्योरिंग फेस है, तो ये वेसाइकिल को मैच्योर कर दिया जाएगा, फाइनली एक बार चेक कर दिया जाएगा कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सॉर्टिंग सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर। इसके बाद फाइनली उसको पैक कर दिया जाएगा। और ये पैक करने के बाद इसको कहाँ भेजना है, अगर मेम्ब्रेन में भेजना है तो इसको मेम्ब्रेनस वेसाइकिल, अगर इसको बाहर भेजना है तो सेक्रेटरी वेसाइकिल, अगर इसको कहीं इस फॉर्म में वेसाइकिल के फॉर्म में ही पूरा भेजना है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल बोलेंगे। तो इस तरह से वेसाइकिल है, और ये चीज़ें बिल्कुल याद रखिए, ठीक है ना। तो ये हमारा अपना रहा इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम, वो देख लेते हैं अभी हम। तो हम लोग बात करते हैं इसमें से लाइसोसोम की। तो देखिए लाइसोसोम के बारे में हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रो दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग इसका डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा क्या डिटेल इसका, इस लाइसोसोम को एक नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। पॉलीमॉर्फिक हम लोग क्यों बोलते हैं, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिक मीन्स स्ट्रक्चर, रूप, बहुत सारे इसके रूप होते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि इसके रूप कितने सारे हैं, देख लेते हैं। फिर इसमें से कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे ऑटोलिसिस एक वर्ड आता है, और ऑटोलिसिस जब हम लोग पढ़ेंगे तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग ऑटोफैगी पढ़ेंगे, तो ऑटोफैगी जैसे ही पढ़ेंगे तो हम लोग इतने सारे वर्ड पढ़ेंगे, डिस्पोजल बैग, सेलुलर स्क्रैवेंजर ऑफ द सेल और रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल, ये सब पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स, इसको हम लोग पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल या पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल्स क्यों बोलते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं इसमें से। चलिए आइए देखते हैं इसमें से, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। हाँ, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें, देखते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। हमारे पास जैसे एक ये सेल है, ये हमारे पास एक सेल है ये, और इस सेल में ये हमारे पास में ऐसे ये न्यूक्लियस है, सेंटर में रहता है लेकिन इसको हम ऊपर बना दे रहे हैं ये इस तरह से, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये, और यहाँ पर इस तरह से क्या है ये हमारे पास में गॉल्जी अपरेटस है, ये गॉल्जी अपरेटस है अपने पास में ये, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोगों के जो लाइसोसोम बनता है वो गॉल्जी अपरेटस से बनता है, ये लाइसोसोम है ये।
और ऐसे लाइसोसोम को जो गॉल्जी अपरेटस से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं इसको। ये हमारे पास में प्राइमरी लाइसोसोम हो गया। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी ये सेल है और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर कोई मैट्रिक्स है, और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है हो सकता है कोई फूड पार्टिकल हो सकता है पैथोजन हो, ये भी हो सकता है। इसके दो चांसेज हैं, हो सकता है फूड पार्टिकल हो कोई भी फूड पार्टिकल हो, या हो सकता है पैथोजन हो हमारे पास में, ये हो सकता है। तो इसको क्या किया जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी पता है, सेल्फ सीलिंग के थ्रू ये पार्टिकल को अंदर ले लिया जाएगा यहाँ पर इस ऐसे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इंडोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस। सिंपल सी बात, पार्टिकल बाहर था ये अंदर आ गया, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इंडोसाइटोसिस। दूसरी बात इसमें देख लेते हैं, अगर ये फूड पार्टिकल लिक्विड था, ये भी हो सकता है कि लिक्विड हो, या ये हो सकता है कि सॉलिड पार्टिकल हो। ये अगर ये लिक्विड है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। इसने पी लिया, लिक्विड था इसने पी लिया। अगर ये सॉलिड है तो इसको बोलेंगे हम लोग फैगोसाइटोसिस। तो हमारे पास में इंडोसाइटिस दो टाइप्स की मिल गई, एक लिक्विड के लिए पिनोसाइटोसिस, एक सॉलिड के लिए फैगोसाइटोसिस। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे पास ये बात आ गई, क्लियर हो गई बात। फिर बात आती है ये जो फूड पार्ट, ये बाय चांस अगर फूड पार्टिकल होता है तो इसका नाम देते हैं हम लोग फूड वैक्यूल। क्या नाम देते हैं इसका, फूड वैक्यूल। अगर ये पैथोजन होता तो क्या नाम देते, फैगोसोम। क्या नाम देते इसको, फैगोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द फैगोसोम। आपको ये समझना है कि फैगोसोम क्या है। कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है अगर वो पैथोजन है और उसको फैगोसाइटोस किया गया है इंडोसाइटोसिस के थ्रू, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैगोसोम बोलेंगे। क्लियर हो गई बात। अब ये फूड पार्टिकल है तब भी इसका डाइजेशन होना है, ब्रेकडाउन होना है। अगर ये कोई भी पैथोजन है तब भी इसका ब्रेकडाउन होना है। तो ब्रेकडाउन होने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होना जरूरी है ना, तो देखते हैं इसमें से। अब इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा तो हमारे पास में ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम आके इसमें फ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है और इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स चाहिए डाइजेशन के लिए। क्लियर हो गई बात। तो ये जो हमारे पास में एक नई वैक्यूल बनी है आकर, ये वैक्यूल बन गई ये, और इस वैक्यूल में हमारे पास में कोई भी फूड पार्टिकल हो सकता है या पैथोजन जो भी है वो आ गया, और इसमें से लाइसोसोम भी फ्यूज हो गया। तब इसका नाम दे देते हैं हम लोग डाइजेस्टिव वैक्यूल। क्या नाम देंगे इसका, डाइजेस्टिव वैक्यूल नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद आगे फिर हम लोग बढ़ लेते हैं। अब इसमें डाइजेशन होगा तो जितना भी अच्छा मटेरियल है उस अच्छे मटेरियल का क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ये यहाँ पर डाइजेशन हो गया सारी चीज़ों का, इस तरह से इससे एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्पिटिव वैक्यूल बोलेंगे इसको। ये है अपने पास में एब्जॉर्पिटिव वैक्यूल। यहाँ से इसने सब जो अच्छा मटेरियल था उस अच्छे मटेरियल को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया सेल में, और सेल का एक साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बन गई है। आगे आते हैं इसमें से, आगे हमारे पास में जो वैक्यूल है, अब एब्जॉर्प्शन हो गया तो इसमें केवल वेस्ट मटेरियल बचा हुआ है। ये हमारे पास में क्या बचा हुआ, वेस्ट मटेरियल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिजुअल वैक्यूल बोलेंगे। हमारे पास ये रेसिजुअल वैक्यूल हो गया। इसी रेसिजुअल वैक्यूल का एक और नाम देते हैं टीलो लाइसोसोम नाम देते हैं। ये हमारे पास में आ गया। अब इसमें से वेस्ट मटेरियल है तो इस वेस्ट मटेरियल का क्या करोगे, आउट ऑफ द बॉडी करोगे। अगर इसको हम लोग आउट ऑफ बॉडी मीन्स आउट ऑफ द सेल, अगर इसको हम बाहर करते हैं यहाँ से ऐसे, हमारे पास में ये
ये हमारे पास में है और इसमें वेस्ट मटेरियल था, और ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको बाहर करेंगे, कोई भी सेल के अंदर कोई चीज़ आती है तो इंडोसाइटोसिस सेल के बाहर जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्जोसाइटोसिस। हमारे पास में ये कौन सी प्रोसेस मिल गई, एक्जोसाइटोसिस मिल गई, एक्जोसाइटोसिस मिल गई। अब एक्जोसाइटोसिस यहाँ पर हमारे पास दो तरह की मिल गई, एक है इजेशन, क्या मिल गई इजेशन, और दूसरी क्या मिल गई, एक हमारे पास में एक वर्ड आता है इसमें से सिक्रीशन हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और तीसरा इजेशन हो गया। सिक्रीशन, एक्सक्रीशन और इजेशन, तो एक वर्ड क्या हो गया इसमें से, इजेशन हो गया, और दूसरा वर्ड क्या हो गया, सिक्रीशन हो गया, और एक वर्ड को अभी हम डिफाइन कर रहे हैं एक्सक्रीशन को, ये डिफाइन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन से रिलेटेड नहीं है। देखिए जब हम लोग पढ़ रहे थे गोल्जी अपरेटस पढ़ रहे थे, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे थे, तो वहाँ ट्रांस सिक्रीटरी वेसाइकिल थी, उसमें से अच्छा मटेरियल था, वो फंक्शनल मटेरियल था, वो कहीं ना कहीं जाके फंक्शन करेगा, वर्क करेगा अपना, वो अगर सेल के बाहर सिक्रीट किया जा रहा है तो दैट प्रोसेस इज नोन एज सिक्रीशन, बट दिस इज द वेस्ट मटेरियल, इफ वेस्ट मटेरियल सिक्रीट फ्रॉम द सेल दैट इज नोन एज इजेशन नॉट सिक्रीशन। मेरी बात समझिए, ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल को एक जो साइटोसिस के थ्रू बाहर निकाला गया है, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन नॉट सिक्रीशन, आप इतना ध्यान रखिए। और इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या प्रॉब्लम है, हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई भी चीज़ बाहर निकाला जा रहा है, दोबारा इसका कोई काम नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल एग्जिट कर दीजिए, तो वहाँ पर ई लगा होगा, और जो बाहर निकाल दिया गया है कोई काम नहीं है, एग्जिट किया गया है, तो वेस्टफुल ही आप समझ लीजिए उसको, यहाँ पर एक्सक्रीशन है और यहाँ पर इजेशन है, ये एग्जिट करा दिया जाएगा वहाँ सेल से। क्लियर हो गई बात। रही बात एक्सक्रीशन की, तो उसमें भी वेस्टफुल मटेरियल बाहर निकाला जाता है, लेकिन वो सेलुलर प्रोसेस नहीं है, दैट इज ऑर्गेनेलर प्रोसेस, पूरी किडनी एक ऑर्गन काम करता है, नॉट ए सिंगल सेल, तो वो ऑर्गेनेलर फंक्शन है, इसलिए उसको एक्सक्रीशन बोलेंगे, लेकिन सेम वहां पर भी रहता है कि वेस्ट मटेरियल को ही आउट ऑफ बॉडी किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि अगर जो पहला फर्स्ट टाइम जो लाइसोसोम बना है वो भी गोल्जी अपरेटस से बना है, किससे बना है ये, फ्रॉम गोल्जी अपरेटस इससे मिलकर बना हुआ है। अगर ये गोल्जी अपरेटस से मिलकर बना है प्राइमरी लाइसोसोम, और ये फिर बाद में ये जो बन रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, दैट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। फिर सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद यहाँ पर ये जो रेसिजुअल वैक्यूल या टीलोलाइसोसोम के नाम से जिसको जानते हैं, तो वो क्या है, टर्सरी लाइसोसोम। अपने पास में क्या मिला, टर्सरी लाइसोसोम। तो हम लोग ये देखते हैं कि लाइसोसोम के बहुत सारे फॉर्म्स मिल गए हैं। देखिए कितने फॉर्म्स मिल गए, अपने पास में तीन फॉर्म्स मिल गए हैं। पहला क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम और टर्सरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम में भी कई सारे फॉर्म्स मिले हैं आपको, डाइजेस्टिव वैक्यूल और एब्जॉर्प्टिव वैक्यूल। तो इसके बहुत सारे फॉर्म्स मिले हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। तो पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, ये समझ में आ गया। और इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एक हमारा फाइगोसोम है, फाइगोसोम क्यों बोलेंगे, जब यहाँ पे पैथोजन आएगा और यहाँ पर सिक्रीशन, इजेशन और एक्सक्रीशन, ये बिल्कुल आपको दिमाग में रखना है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टर्म है, ये बिना इसके सब बेकार हो जाएगा। अगर आपने इनको मिला के पढ़ लिया, मिला जुला दिया आपस में, तो पढ़ना ही बेकार हो जाएगा ये। चलिए तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इसमें से ऑटोलिसिस में बात करेंगे हम लोग, ऑटोफैगी में बात करते हैं, तो चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें से ऑटोलिसिस, इसका नाम क्यों दिया गया लाइसोसोम का, और ऑटोफैगी नाम क्यों दिया गया। पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल साहब जिसे लिए हम लोग पढ़ चुके अच्छे से, इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए ऑटोलिसिस, ऑटो मीन्स सेल्फ लिसिस ब्रेकडाउन, कोई भी अगर सेल
खुद को ब्रेक डाउन कर रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोलिसिस बोलेंगे। अब ऑटोलिसिस में सेल अपने आप को कैसे ब्रेक डाउन कर सकती है वो देखिए। इसमें से मान लीजिए हमारे पास ये कोई सेल है और इसमें से ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम बस्ट कर जाए। बस्ट कर जाए मीन्स इसके जितने भी एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ये सब निकल के बाहर आ जाए। और निकलने के बाद क्या हो जाए, ये पूरी सेल ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं सबको डाइजेस्ट कर डाले, सेल पूरी खत्म हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोलिसिस ऑफ द सेल। और उसने देखिए बस्ट करके खुद को तो बस्ट किया ही और पूरी सेल को ही बस्ट कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल या फिर सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि वो सेल पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होगी। बात ये आती है कि ऐसा होता है, लेकिन होता क्यों है वो समझिए। ऐसा तब होता है ये जब इसको किसी इन्फेक्शन से बचाना होता है। अगर सेलुलर लेवल पे या इंट्रा सेलुलर लेवल पे कोई इन्फेक्शन हो गया, हो सकता है कैंसर हो गया हो या वायरल इन्फेक्शन हो गया। वायरल इन्फेक्शन तो इंट्रा सेलुलर है, वो तो ऑब्लिगेटरी इंट्रा सेलुलर पैथोजन है वायरस। तो अगर वायरस का इन्फेक्शन हो गया या कैंसर हो गया, तब वहाँ पर ऑटोलिसिस होती है। तो ये ऑटोलिसिस कब होती है, अपने आप को खुद कब ख़त्म करेगा, कब ख़त्म करेगा, जब बगल वाली सेल, उसकी जो एडजेसेंट सेल है, उसको बचाने के लिए कि ये इन्फेक्शन उस एडजेसेंट सेल में ना पहुंच पाए, उसको बचाने के लिए ये खुद को ख़त्म कर लेता है ये। देखिए तो किसके लिए, टू प्रोटेक्ट एडजेसेंट सेल फ्रॉम वायरस या फिर कार्सिनोजेनिक पैथोजन। और ये कब होता है, जब सेल कैसी होती है, कैंसरस सेल हो जाती है। अगर वो सेल कैंसरस हो जाएगी तब इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसको हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल और एटॉमिक बॉम्ब ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं या ऑटोलिसिस हम लोग क्यों बोलते हैं, वजह इसकी यही है कि जब किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया या वो सेल कैंसरस हो गई है, तब वो अपने आप को ख़त्म कर देती है, ताकि अगल बगल जितने भी एडजेसेंट सेल हैं उन पे ये इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम लोग बात करते हैं इसमें से ऑटोफैगी में। ऑटोफैगी, फैगी मीन्स एंडोसाइटोसिस के थ्रू फिर डाइजेशन होना, एब्जॉर्प्शन होना, रेसिजुअल, जो कि अभी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हुए हैं। तो इसमें से देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, होता क्यों है। देखो इसको हम पहले बता रहे हैं, टू डिराइव एनर्जी। अगर सेल में एनर्जी की कमी हो गई है तो वो सेल ऑर्गेनेल से ही एनर्जी डिराइव करती है। जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं कि थोड़े पुराने हो जाते हैं, अच्छे से फंक्शन नहीं करते, तो उन सेल को डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम। डाइजेशन के बाद उसे एनर्जी निकाल लेता है और उस एनर्जी का सेल एसिमिलेशन में वो यूज कर लेता है। अगर सेल ऑर्गेनेल कोई बहुत पुराना हो गया, ओल्ड हो गया या डैमेज हो गया है और वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो वो तो पड़ा रहेगा ना, ऐसे कूड़ा वहाँ पे पड़ा रहेगा। तो उस सेल, उस ऑर्गेनेल को लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और उससे एनर्जी निकाल लेता है, वो कहीं ना कहीं अपना यूज कर लेता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पोजल बैग ऑफ द सेल या सेलुलर स्केवेंजर, क्योंकि सफाई करता है और उसे वो एनर्जी निकाल लेता है, उस एनर्जी का वो कहीं ना कहीं यूज कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर हो गई बात, ये टू ड्राइव एनर्जी। तो ये जब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जब जरूरत पड़ती है तब उसमें ऐसा होता है, एनर्जी की जब जरूरत पड़ेगी तब ऑटोफैगी होती है। उसमें से देखिए जैसे हमारे पास ये कोई सेल है, अगर इसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले ये जो लाइसोसोम है माइटोकांड्रिया को डाइजेस्ट करता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया को डाइजेस्ट करने के बाद इसके पास में, क्योंकि माइटोकांड्रिया में बहुत सारी एनर्जी होती है, अगर माइटोकांड्रिया को डाइजेस्ट करेगा तो बहुत सारी एनर्जी डिराइव होगी उसमें से। तो जो पहला ऑर्गेनेल है ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनेल जो एनर्जी, अगर एनर्जी रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले इसी को ही डाइजेस्ट करेगा। अगर इसको डाइजेस्ट करेगा सबसे पहले तो ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया माइटोकांड्रिया, और माइटोकांड्रिया किससे घिरा हुआ है, लाइसोसोम से। ये क्या है, ये लाइसोसोम है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑटोफैगोसोम, ऑटोफैगो
सोम, ये हमारे पास में ऑटोफैगोसोम हो गया। और इससे मैक्सिमम एनर्जी डिराइव होती है, इसलिए फर्स्ट उसकी चॉइस होती है, ये लाइसोसोम की पहली चॉइस है कि वो किसको डाइजेस्ट करे टू डिराइव एनर्जी, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास में ये ऑटोफैगोसोम है, ये ऑटोफैगोसोम किससे है, ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम ने पूरा कवर कर रखा है डाइजेशन के लिए किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इतना पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनेगा, ऑटोफैगोसोम। और वो माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों सबसे पहले डाइजेस्ट कर रहा है, मैक्सिमम एनर्जी इससे मिलती है, टू मैक्सिमम एनर्जी डिराइव। इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अदर ऑर्गेनेल्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा एनर्जी इससे मिलती है, तो उसकी फर्स्ट चॉइस है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल बैग, क्योंकि अगर कोई भी डैमेज ऑर्गेनेल है तो उसको ख़त्म कर देगा, डिस्पोज कर देगा, इसलिए बोलते हैं डिस्पोजल बैग। सेलुलर स्केवेंजर अगर ख़त्म कर दिया तो सेल के अंदर साफ सफाई हो गई। तीसरी बात, रिसाइकलिंग सेंटर, उसको डाइजेशन के बाद जो एनर्जी निकालता है तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं यूज कर लेता है, वो सेल एसिमिलेशन में हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं यूज कर लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग सेंटर ऑफ दी सेल। तो हमारे पास लाइसोसोम में तीन टर्म थे, वो तीन टर्म क्या है, एक पॉलीमॉर्फिंग ऑर्गेनेल ऑफ दी सेल, दूसरा ऑटोलिसिस में बहुत सारा है, और इसमें से ध्यान देने वाली बात है कि ऑटोलिसिस कब होगी, और थर्ड जो है हमारे पास में ऑटोफैगी है, तो ऑटोफैगी कब होगी। तो ऑटोलिसिस कब होती है, ये अपने आप सेल को जो उसके आसपास अदर सेल हैं, जो एडजेसेंट सेल हैं, तो इन्फेक्शन से बचाने के लिए, हो सकता है वायरस का इन्फेक्शन हो गया उस सेल में, हो सकता है कैंसरस हो गई वो सेल। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं इसमें ऑटोफैगी में, तो ऑटोफैगी हमेशा किस बात के लिए होगी, टू डिराइव एनर्जी। तो हमारे पास में लाइसोसोम हो गया, और सेल ऑर्गेनेल्स में हमारे पास में एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हमारे पास में कई एक ऑर्गेनेल्स हो गए, जैसे गॉल्जी अपरेटस हो गया उसमें से पूरा का पूरा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, काफ़ी हद तक लाइसोसोम। और वैक्यूल के बारे में मैंने बता दिया कि वैक्यूल कैसे बनते हैं, लाइसोसोम कैसे बनते हैं। तो दो ऑर्गेनेल्स तो पूरे हो गए हमारे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी अपरेटस, और थर्ड हमारा क्या रहा है यहाँ पर, लाइसोसोम। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की। ओके, थैंक यू।